है क्योंकि आज खुले मन से, कल जैसे खुले तौर पर ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए और उनके साथ अभद्रता की गई, और उसके बाद भी जैसे आप कह भी रहे हैं कि वो शेरनी हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा और वहीं खड़ी रही, डटी रही, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जान बचाकर लौट आई हूं, जो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में कहा था। आज उन्होंने जबरदस्त चुनौती दी है। उस चुनौती के दो तीन रूप हमने आपको दिखाए, एक रूप और देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तीन साथी मौजूद हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुमन भट्टाचार्य हैं और साथ में सीधे वाराणसी से अमित मौर्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी को वाराणसी में। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो, तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकते है? हम बनारस में नहीं आ सकता है? हम मथुरा में नहीं आ सकता है? हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है? हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है? हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है? हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है? आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं पूछ लो, कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा? पूछिए बालिया के बारे में, आपको पता है देश में आजादी के बारे में। देश आजादी होने का पहले तीन जगह में आजादी सरकार बने, तो उसमें बालिया एक हो, आजमगढ़ कितना लड़ाकू है। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी जला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों के साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मर दिया, इसका बाद में आपने क्या किया? क्या असर उठाया? क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। तो सुन रहे थे आप, सारे पॉइंट अलग अलग ढंग से यहां उठा रही हैं ममता बनर्जी। एक बार प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा फिर से। ये जो पॉइंट्स हैं उसमें भी किसानों की बात, बलिया की बात, आजादी की बात, आजादी से पहले आजाद सरकार की बात, बहुत सारी बातें यहां रख रही हैं। एक एक पॉइंट, कुछ भी छोड़ने की नौबत नहीं यहां दिखाई दे रही है, सब कुछ। और उत्तर प्रदेश में, और उसमें उसके बाद गंगा सागर की याद भी दिला रही हैं। क्या कहेंगे इस भाषण को लेकर के, क्योंकि ऐसे एक देखा जाए तो एक बृहत स्वरूप में भाषण बहुत ही कम नेताओं के सुने जाते हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात कि बंगला में या इंग्लिश में भाषण नहीं दे रही हैं, हिंदी में भाषण दे रही हैं। राजीव जी, वेल स्क्रिप्टेड भाषण है, उन्होंने बहुत सोच समझकर जो भी बातें कही है। अभी हमारे साथी भट्टाचार्य जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने एक एक मुद्दे को उठाया, जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और मौर्य साहब ने जिस तरह बताया कि ये किस तरह बंगाल में, खासकर बनारस, वाराणसी में, काशी में लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हमारे ही देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, और कारण तो कुछ हो कि क्यों काले झंडे दिखा रहे हैं भाई। अगर कोई किसी हत्यारे को काले झंडे नहीं दिखाए जा रहे हैं, किसी विदेशी शोषक को नहीं झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो बड़ी विचित्र बात है कि क्यों झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में जो शेरो शायरी की, जो फिल्मी गाना भी सुनाया, उसके शब्द बदल दिए, उसका मतलब कि उनका कम्युनिकेशन का तरीका बहुत पावरफुल है। उन्होंने आम लोगों को यह बताना चाहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मेरा आशय क्या है। उन्होंने श्लोक कह बताया कि मैं भी ब्राह्मण हूं,
ये भी बताया कि हम मस्जिद को भी सम्मान करते हैं, गुरुद्वारे को भी सम्मान करते हैं, गिरजाघर को भी सम्मान करते हैं, तमाम मंदिरों को के नाम उन्होंने लिए, भगवान देवताओं के नाम लिए। तो वे ये बात बहुत अच्छी तरह जानती कि उन्होंने क्या, उन्हें क्या कहना है और किस तरह कहना है। उनकी आक्रामकता बरकरार है और ममता बनर्जी की लोकप्रियता का एक कारण यही है कि वे बहुत आक्रामक हैं और बिल्कुल खुलकर अपनी खड़ी बात वो कहती हैं कि ये तरीका ये है। ये लोगों को बहुत अपील करता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे सही है। दूसरी बात, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जाकर दीदी और दीदी किया था, जिस तरह पंजाब में जाकर उन्होंने कहा था कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं जीवित जा रहा हूं, वैसे ही बातें उन्होंने फिर यूपी में कही, जिससे मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव प्रभावित होंगे। अखिलेश यादव ने अगर ये कहा है बनारस के बारे में कि लोग बनारस आते हैं एक उम्र के बाद, तो इसका आशय यह कतई नहीं कि आप किसी की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। तो जिस तरह से वर्ड प्ले करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मैं कहूं कि मैं छुट्टी बिताने कोलकाता जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं रिटायर होकर कोलकाता जा रहा हूं या जिंदगी में मैंने संन्यास ले लिया। अगर कोई शब्द है, किसी शब्द को तोड़ना मरोड़ना और उसे खेलने का तरीके जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को आते हैं, ममता बनर्जी ये बात जानते कि वे भी उसी तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ सकती हैं। हालांकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दिल्ली में रहा हो, राजधानी में राजनीति की हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, उसके लिए हिंदी काम चलाओ, हिंदी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट की अपनी बात को, और मुझे लगता है कि देश की वे नेता हैं जो जिनके भाषण से, जिनकी बातों से मतदाता प्रभावित होते हैं। अगर मतदाता उनकी बात से प्रभावित नहीं होते तो बंगाल में वो इतना जादू नहीं कर सकती थी, एक अलग पार्टी बनाकर वामपंथी सरकार को गिरा नहीं सकती थी। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। और अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को ममता बनर्जी के इस आगमन का, उनके भाषणों का, और जिस तरीके से उन्होंने काले झंडे दिखाने वालों का के सामने खड़ी रही, ये याद दिलाता है कि किस तरह प्रियंका वाड्रा ने कहा था जब एक पत्रकार ने कहा कि आप पर आरोप है कि आतंकवाद से संबंध से आपका नाता है, तो उन्होंने जिस साफगोई से जवाब दिया था। तो ये सब बातें वे हैं जो बताती हैं कि राजनीति में असलियत क्या है और किस तरह अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ममता बनर्जी के प्रशंसकों में, चाहे आप उनकी पार्टी के हों या ना हो, उनके प्रशंसकों में तो सभी लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। वे अच्छी वक्ता हैं, जुझारू नेता हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या उन्हें करना है, मतदाताओं के लिए क्या करना है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और जो बात अभी मौर्य जी ने कही कि उत्तर प्रदेश में जो बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, जो समुदाय है, वे भी आहत हुए हैं और ये बात उनको भी अच्छी नहीं लगी होगी। हो सकता है उनमें से काफी सारे मतदाता अपना फैसला बदल दें। राजीव जी, बहुत बड़ी बात है जो अमित मौर्य कह रहे थे।